भव्य राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो पढ़ लें नियमावली, अगर नियमों का किया उल्लंघन तो नहीं कर पाएंगे रामलला के दर्शन। मंदिर परिसर में इन चीजों को साथ लेकर नहीं जा सकते, अगर बैन चीजों के साथ आपको पकड़ा गया तो फिर हो सकता है कानूनी एक्शन। जिन सामानों को बैन किया गया है उनकी लिस्ट हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों सरकार ने लिया है ये फैसला। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और तैयारियों को युद्ध स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही जो श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं उनके लिए कुछ नियमों और शर्तों को लागू किया गया है। आप भी अगर मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो इन नियमों को भली भांति जान लें, क्योंकि अगर इनका पालन नहीं किया तो हो सकता है कि आपको रामलला का दर्शन दुर्लभ हो जाए और फिर आप भगवान श्री राम के दर्शन न कर पाएं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये अयोध्या के कड़ कड़ में भगवान श्री राम का वास है, तभी तो आज इस अयोध्या की चारों तरफ चर्चा है। हालांकि ऐसा हो भी क्यों ना, एक तो इसी अयोध्या में रामलला ने जन्म लिया था, वहीं 500 साल के कठोर वनवास के बाद वो अपने जन्म स्थान पर लौट रहे हैं। यही तो एक वजह भी है कि 22 जनवरी 2024 को पूरे उत्साह और जोश के साथ राम मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना पूजन अधूरा है। इसी वजह से प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हजारों लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि इस बीच राम मंदिर में एंट्री को लेकर भक्तों के मन में बहुत से सवाल हैं। अयोध्या पहुंचने वाला हर शख्स जानना चाहता है कि इस दौरान ऐसी किन किन चीजों को लेकर सावधानी बरती जाए जिससे उन्हें आसानी से रामलला के दर्शन हो जाएं। अगर आप भी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में पहुंचने वाले हैं तो हम आपको बता दें कि इस दौरान आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान मंदिर परिसर में लेकर नहीं जा सकते हैं। इस दौरान मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, लैपटॉप या कैमरा, किसी भी तरह का सामान ले जाना सख्त मना है। ऐसे में अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। अगर आप 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन समारोह देखने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि मंदिर परिसर में किसी भी तरह का खाना पीना लेकर आप एंट्री नहीं कर सकते। इस दौरान घर के भोजन से लेकर फास्ट फूड तक पूरी तरीके से बैन है। वहीं आप बेल्ट या जूते पहनकर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्स, ईयरफोन या रिमोट से चलने वाली कुछ भी चीज है तो वो आपको प्रवेश द्वार पर ही छोड़नी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब लोग दर्शन के लिए जाते हैं तो साथ में पूजा की थाली या अन्य सामग्री भी उनके साथ होती है। लेकिन अगर आप भी 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जा रहे हैं तो किसी भी तरह की सामग्री ले जाने की गलती न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान आपको पूजा करने की अनुमति नहीं होगी। वैसे आपको बता दें कि 22 जनवरी को होने वाले उद्घाटन समारोह में केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें निमंत्रण कार्ड मिला है। अगर कोई भी बिना निमंत्रण कार्ड के मंदिर परिसर में प्रवेश करने की हिमाकत करता है तो वो मुश्किल में पड़ सकता है। ये कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय पारंपरिक कपड़े पहनकर ही मंदिर में एंट्री मिलेगी। हालांकि मंदिर परिसर की तरफ से ड्रेस कोड को लेकर कोई नियम नहीं बनाया गया है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय पारंपरिक कपड़ों को तवज्जो दी गई है। तो ये वो नियम है जिनको मंदिर कमेटी की तरफ से जारी किया गया है और कहा गया है कि अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो फिर आपको कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।